भारत के प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में 4 गवर्नरों की नियुक्ति की। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा मद्रास और बंबई के गवर्नरों को उसके अधीन कर दिया गया। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य वॉरेन हेस्टिंग्स को प्राप्त हुआ। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य लॉर्ड विलियम वेंटिक को प्राप्त हुआ। अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तत्पश्चात ये पद इसी नाम से पुकारा जाने लगा। भारत का प्रथम वायसराय बनने का सौभाग्य लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त हुआ। ये पराधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। कंपनी ने 1772 ईस्वी तक क्लाइव, बरेलास्ट, कर्टियर और वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गवर्नर के तौर पर, लेकिन इनमें क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ही प्रमुख थे। तो अब सबसे पहले जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। ये 1757 से 1760 तक तथा फिर 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार 1765 में कंपनी को दिया। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किया। 1766 ईस्वी में उसने घोषणा की कि दोहरी सत्ता उन सेनाधिकारियों को दी जाएगी जो बंगाल और बिहार सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। हालवेल 1760, बेंटीटाट 1760 से 1765, 1764 का बक्सर का युद्ध इसी गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया। अब आगे जानेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरलों के बारे में, जिनमें सबसे प्रमुख जो हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, क्योंकि ये गवर्नर भी थे और इन्हीं के काल में 1773 का चार्टर एक्ट भी आया था जिसके तहत ये गवर्नर जनरल बना दिए गए थे और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी इनके अंडर आ गई थी।